किसान आंदोलन का आज 10वां दिन है। शंभू बॉर्डर पर 10वें दिन स्थिति सामान्य जरूर रही, लेकिन इससे पहले 9 दिन किसान संगठनों ने दिल्ली कूच को लेकर बैरिकेड्स को तोड़ने के लगातार प्रयास किए। उपद्रवियों ने सरकारी और निजी संपत्ति को भी काफी नुकसान पहुंचाया। अब हरियाणा पुलिस नुकसान का आकलन करवा रही है, जिससे इसकी भरपाई प्रदर्शनकारियों से की जा सके। इसके लिए पुलिस प्रदर्शनकारियों की संपत्ति कुर्क करने के साथ ही बैंक खातों को सीज कर सकती है। इसके अलावा किसान संगठनों के मुख्य पदाधिकारियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जा सकती है। हरियाणा पुलिस के अनुसार दिल्ली कूच के लिए प्रदर्शन में कई किसान नेता सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ये कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। भड़काऊ और उकसाने वाले भाषण देकर इंटरनेट मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है। आपराधिक गतिविधियों को रोकने के साथ साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसान संगठनों के ऐसे पदाधिकारियों को नजरबंद करने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा अमल में लाई जा सकती है। कुल मिलाकर प्रशासन का सीधा कहना है कि प्रदर्शन करना है तो करो, लेकिन किसी भी तरह की तोड़फोड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर होती है तो फिर वसूली भी होगी।